हाय एवरीवन, अब हम जो है यहाँ पर बज रहे हैं शाम के 5 और हमें निकलना है। धूप थोड़ा कम हो गई है तो हम चले जाएंगे। यहाँ पर प्रीति जो है बाबू को कपड़े पहना रही थी, मैंने बोला जाते समय थोड़ा ट्राई करके दिखा दो कैसा है। अभी तो मतलब बच्ची है, 25 दिन की लगभग हुई है, 25 या महीना पूरा होने वाला है जो है। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट है। अब हमको जाना है अपने घर, क्योंकि हम रुक नहीं सकते। जो है बच्चे हैं उनको स्कूल जाना रहता है, बहुत सारा घर का काम रहता है। अब हम चलते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो हमारी दीदी ने हमको क्या दिया है सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। प्लीज़ जो है यहाँ पर देखो, मानस भागा दौड़ी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, बोल रहा है मुझको कि आप नानी मासी आप चले जाओ, नहीं तो आपको रास्ते में धूप लगेगी, देर हो जाएगी। यानी बहुत सारी बातें वो अपने भाषा में समझा रहा था, जिसमें कुछ अलग बातें थी, थोड़ा कुछ ना कुछ हंसी मजाक हो रहा था, इसकी वजह से मैंने वॉइस को म्यूट किया। और मानस बहुत अच्छे से मुझे बोल रहा था कि आप जाओ नहीं तो देर हो जाएगी, ऐसे ऐसे समझा रहा था हमको जो है। ये देखिए तो प्रीति है यहाँ पर, और छोटी बच्ची को ली है जो उनकी मासी हैं, बड़ी जीजा की बेटी हैं छोटी वाली। तो बस सब लोग आ रहे हैं, मैंने कहा अब हम चले जाएंगे, फटाफट निकलते हैं। तो सीधा आप लोगों से अब घर पर ही मिलेंगे और बातचीत करेंगे। प्लीज़ वीडियो कैसी लगती है हमें बताइएगा। जो नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर चलते हैं अपने घर और मिलते हैं आप लोगों से। सुबह के बज रहे हैं 7, घर का काफ़ी सारा काम हुआ, काफ़ी सारा काम बिटिया करके आज स्कूल गई है, क्योंकि स्कूल उसका भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आया स्कूल नहीं चल रहा है। सुबह आपको किचन में दिखाते कैसे सब कुछ बिखेर के गई है, अब मेरा कितना काम बाकी, क्या मुझे करना। मेरी दीदी के यहाँ से आ गए अपने घर, पहले शाम को आ गए थे, हमने सोचा ब्लॉग को इंड भी कर दें और थोड़ा सा बात भी कर लें आप लोगों से। ये देखिए यहाँ पर बन रही हमारी चाय हमारी जिसको जिसको पसंद है सब लोग हमारे घर आ जाइए चाय पीने के लिए। वहाँ पर देखो भुजिया बना के रखा है, सब ऐसे छोड़ के जाती है। और देखिए थोड़ा सा चना हमने भून के दिया है, पिताजी को रोटी रखी है, दो छोड़ के गई है बना के, अपना अपने भाई का टिफिन भरी है। और यहाँ पर देखिए बनाना है भिंडी की सब्जी, सब्जी बनाएंगे भिंडी की। और जो यहाँ पर कहाँ है ये है कद्दू, इसका बनाएंगे दाल। नहीं किचन का क्या हाल किया है सुहानी ने, सर सब कुछ तो इस तरीके से बिखरा पड़ा है। बने रहेगा आप लोग लास्ट तक। अभी दिखाते हैं दीदी ने मुझे विदाई में कौन सी साड़ी दिया है, बहुत अच्छी है जो मुझे पसंद है। चलिए बात करते हैं आप लोग, थोड़ा हम भी चाय पी लें, अभी लेट हो गया, हम चाय नहीं पी पाए हैं आज। कल शाम को गैया का दूध नहीं निकल पाए थे, देर से मैं आई तो नहीं निकाला गया, इसकी वजह से सुबह थोड़ा जल्दी निकाले और काम में फंस गए, तो काम सारा हो ही गया लगभग। अब हम जाते हैं नहाने, किचन को साफ सुथरा करके नहा के आएंगे, तब शुरू करेंगे यहाँ का सब कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देखिए नहा धो के पूजा करके मैं सब कुछ सारा अपना काम ओपन करके मतलब खत्म करके बाहर का जो कुछ भी है मतलब सारा तो नहीं खत्म कर पाए, अभी बर्तन धुलना है, जो चाय पानी का बर्तन है, कपड़े धोने हैं, फिर मैं फटाक से किचन को साफ करके उसके बाद जाके नहा लिया, नहा के आ गए हैं अपने कमरे में। मैं थोड़ा बैठ के आपको दिखा देते हैं। देखिए भिंडी को काट के रखे हैं, इसको बनाना है सब्जी में। और ये कोहरा कद्दू यानी कोहरा है, कुछ दिया है, अगर इसका नरम छिलका होता तो आप नहीं छिलेंगे, और अगर छिलका जो है कड़ा है तो कुछ देना है आपको। देखिए चना को थोड़ा पचा हुआ रखे हैं, हम दिखा लेंगे। और यहाँ पर देखिए लिए हुए हैं मटर की दाल है, ये थोड़ी सी अरहर की दाल है, नमक लिए हैं और कद्दू। तो सारा सब कुछ धो करके एक में साथ में ही बनाना है हमको। और ये देखिए कढ़ाई रखे हैं, जो कि तेल हमारा गर्म हो रहा है, सब्जी बनाएंगे भिंडी की, माँ की फरमाइश कुछ और रहती है, पिताजी की कुछ और रहती है। और ये देखिए लहसुन लिए हुए हैं, ये लहसुन है थोड़ा सा काट के, और मिर्ची का चार टुकड़ा है ताकि पिताजी मिलना जाए उसको निकाले, अगर बड़े रहेगा छोटा टुकड़ा रहेगा मिक्स हो जाएगा ना तो सही नहीं रहेगा, तो इसको भून लेते हैं, जब तक भूनेंगे ना इसको। और उसके बाद लहसुन का टुकड़ा जो है कली छोटी छोटी, इसलिए हमने उसको काटा नहीं है। बने रहिए आप लोग को दिखाते हैं, हमारी दीदी उनको बहुत अच्छी साड़ी दी है, ब्लॉग भी कर दें ताकि जो है कुछ रुकेंगे शेयर कर दें अपना सुबह का क्या कैसे है। ये दाल इसको धोना है हमको, चलते धो लेते पहले, एक यहाँ पर सब कुछ करना होता है यार, क्या करें। यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपको, देखिए इसको सब इसमें डाल देते हैं। और हल्दी डालेंगे, खटाई डालेंगे, सब कुछ बना के अच्छे से लगदावा बनाएंगे। तिवारी जी को भी बहुत पसंद है, लेकिन अब क्या ही करें, जो हमसे दूर है उनके लिए बस सोच के ही परेशान हो सकते हैं। आते हैं नाइट ड्यूटी में वैसे ही सो जाते हैं, शाम को जब 4 या 3 बजे उनकी आँख खुलती है फोन करते हैं, कहते कहाँ हो कहाँ हो, तो हमको पता चल जाता है ना खाना नहीं बनाया उनका, तभी इतने टाइम, अगर खाना बना के खा के सोते हैं तो 5 बजे के पहले नहीं उठते हैं, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें। चलिए इसको भून लेते हैं, नमक तुरंत नहीं डालेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे, भिंडी का सब्जी है। और इसमें जो डाल रहे हैं 1 लोटा पानी, देखिए दाल को रख देते हैं, थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे, कहाँ रखा है हल्दी। और बाबू को नहीं पसंद है तो खाएगा, या तो दूसरी रोटी खाएगा, तो घी टुकड़ी रोटी खाएगा, सुहाने तो चावल फ्राई कर लेगी, कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं, मतलब सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी फरमाइश अलग अलग है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ा देर में, दाल रख देते हैं तब तक। हमारा किचन का मतलब आधा काम समझ लीजिए हो गया है। अब मुझे चावल बनाना है, सब्जी देखिए पक रही है, फिर अब थोड़ा सा नमक मिलाए हैं, इसको ढक देते हैं पकने के लिए। इसके बाद पूरा ढेर सारा बर्तन रखा लीजिए, स्कूल गई है ना तो आज डबल काम पड़ेगा मुझे, जब वो रहती है तो कम से कम चाय का बर्तन धोती है। अब तो सारे काम करते हैं, डांटते रहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन काम तो करती रहती है, जो भी है पढ़ाई भी है।
तो चलिए और आपको बता दें, हम चार बहन हैं, एक हमारे चाचा की बिटिया हैं और हम तीन बहन हैं, तो हम लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम है। मैं तो कहूँगी कि ऐसे सब बहनों में होना चाहिए आपस में, कोई भी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग आपस में। एक तो नसीब ही ऐसा है कि हम लोग आधे पौने घंटे में, चाहे पैदल ही चले तो आधे घंटे एक पौने घंटे में मिल जाते हैं जो है, तो सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम आते हैं। और मैं जो दवा, तो मैं फिलेरिया की जो मेरी चलती है, मैं अपनी दीदी के यहाँ ही लेती हूँ। तो पहले डॉक्टर साहब लंबा में बैठते थे, अभी उनके मतलब उनका गांव ही वहीं है, तो अपना बनवाए, नई स्कूल भी बन रहा है, तैयार हो गया लगभग, तो वहीं पर बैठते हैं। वहाँ भाड़ा देना पड़ता था लंबा में, अब यहाँ है तो अपना खुद का है, लोग यहीं पर आ जाते हैं। जिनको भाई फायदा है तो कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, अगर हम यहाँ से सुल्तानपुर जा सकते हैं, सुल्तानपुर से लोग यहाँ भी तो आ सकते हैं दवा लेने के लिए। तो दवा लिए, उसके बाद दिया, खूब दबा के खाए, हमारी बहन बनाई थी छानी पूरी और सब्जी, दोपहर भर रहे, फिर शाम को हम रिटर्न आ गए अपने घर, क्योंकि भैया यहाँ पे भी काम है, आप लोगों को पता है, गाय अगर मैं नहीं रहूँगी तो अम्मा अकेले नहीं लगा सकती, उसका थोड़ा अलग ही स्वभाव है गैया का। चलिए दिखाते हैं क्या मिला है। वैसे एक बात बता दूँ, हर चैनल पर मैंने चिट्ठी आई थी, हमारे यहाँ तो विदाई किया था। देखिए अब ऐसा तो नहीं है, हम लोग बहुत बड़े लोग हैं, एक मीटर साथ फैमिली से बिलोंग करते, तो मैंने एक साड़ी प्रीति को दे के विदा किया हुआ था, जो कुछ मेरे को भगवान ने दिया था, बच्चों को दिया, प्रीति को दिया, अम्मा ने जो कुछ दिया था, दान दक्षिणा दिया, देखो प्रीति नाम नहीं लूँगी जो है, उन्होंने लिखा था कि क्या एक साड़ी दे के विदा किया बिटिया को, तो बहुत ज़्यादा घर उठा के थोड़ी दे दिया है भैया, आपसे मांगने नहीं जा रहे हैं, तो बात याद आ जाती है। वैसा कोई कहिएगा मत, क्योंकि जो जिसके पास रहता उतना ही लेन देन होता है, और प्रेम सबसे बढ़िया होता है। ये देखिए साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत हमें तो बहुत पसंद है सच में, कलर इसका एकदम बढ़िया, सॉफ्ट मुलायम है, और इसको किसी के देने वाले नहीं, इसको ब्लाउज बनाएंगे पहनेंगे जो है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ये मतलब खुद दीदी ने खरीदा है, ऐसा नहीं कि उनको कहीं से मिली है मायके या कहीं से, दीदी खरीद के लाई है साड़ी, ये बहुत अच्छी लग रही है, पहन के दिखाएंगे आप लोगों को, बताने कैसे लगता है। ठीक है, ऐसे पेटीकोट भी है, इसको बना लेंगे, ब्लाउज बनाएंगे, एक साड़ी दिया है। हम बोले थे फोन में, वैसे भी हम अपने बहनों को कुछ भी मतलब कुछ भी कह देते हैं तो हमारी ख्वाहिश पूरी कर देती है हमारी बहनें। अगर हमारी छोटी सिस्टर यानी सीमा को भी हम कुछ बोल देते हैं यहाँ से, या कहीं मिलना है या कुछ भी है, तो हो ही जाता है। मैं बोली थी देखो दीदी, हंसी मजाक कर रही थी, नाती हो गया, नातिन हो गई, अब आप अच्छे से मुझे खिला के विदा करिएगा, छानी पूरी बनाइएगा और साड़ी वाड़ी दे के विदा करिएगा। सच में हंसी मजाक कर रहे थे, पर हंसी मजाक नहीं, अगर मैं रियल में बोलूँ या वैसे भी बोलूँ तो लोग करते हैं। दीदी चार पांच साड़ी लाई थी, जैसा कि आपने फर्स्ट ब्लॉग में देख लिया था, वहाँ पर ये मुझे पसंद आई, उन्होंने बोला कि जो तुम्हें लेना है वो ले लेंगे, तो मैंने यही लिया है। और आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी जानकारी के साथ। आप कोई भी तरह की जानकारी पूजा पाठ से रिलेटेड, हाँ पूजा में जहाँ गई थी वहाँ एक औरत आई थी कि अगर आपको पूजा पाठ या किसी भी बारे में पूछेंगे तो आप बताएंगे, मैंने कहा बिल्कुल बताते हैं। जो लोग कमेंट करते हैं कि मुझे किस चीज़ की जानकारी चाहिए बहन, तो वो मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, सबके लिए सारा प्यार हमका मिलेगी चाहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना ना जाया करें। अब गीत वाले चैनल की मजीत वाले आप खुशी तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो करें, क्योंकि वहाँ पे आप सबके अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलेंगे। बाय माता दी।